1935 की बात होगी। डायरेक्टर प्रथमेश बरुआ शरद चंद चट्टोपाध्याय का नॉवल देवदास बना रहे थे। इस फिल्म में पार्वती उर्फ पारो का रोल उन्होंने कानन देवी को ऑफर किया। कानन देवी बहुत खुश हो गई और उन्होंने प्रथमेश बरुआ से कहा कि ये ड्रीम रोल है मेरे लिए, मगर इसके लिए मुझे राधा फिल्म कंपनी से परमिशन लेनी होगी क्योंकि मैं उनके साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूं। प्रथमेश बरुआ मान गए। कानन देवी ने राधा फिल्म कंपनी से देवदास फिल्म में काम करने की परमिशन मांगी, लेकिन कंपनी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं कर सकती। संयोग से कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी उस समय कानन देवी के पास नहीं थी, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करते हुए कानन देवी को देवदास फिल्म रिफ्यूज करनी पड़ी। देवदास बनी, रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हो गई। कानन देवी ने बाद में प्रथमेश बरुआ को बधाई दी और साथ साथ अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि काश मैंने ये फिल्म की होती। प्रथमेश बरुआ ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मेरी अगली फिल्म में काम करने को तैयार रहो। कानन देवी इस बार प्रथमेश बरुआ के साथ काम करने का सुनहरा अवसर गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए राधा फिल्म कंपनी के साथ हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तलाशने लगी। और इस जद्दोजहद में कानन देवी को गहरा धक्का लगा जब उन्हें मालूम चला कि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पहले एक्सपायर हो चुका है, और यह तो तभी एक्सपायर हो गया था जब उनको देवदास ऑफर हुई थी। ये एक केयरलेसनेस थी, जिसे हम चीटिंग भी कह सकते हैं। कानन देवी का इतना बड़ा नुकसान हो गया। और इस घटना के कुछ महीनों बाद कानन देवी ने राधा फिल्म कंपनी से हमेशा के लिए अपना नाता रिश्ता खत्म कर लिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।